वहां पर लंदन की सड़कों में पाकिस्तान के लोग मुझे मिले जो बोले अच्छा अरे बाबा पांडे जी। तो वो खुशी की बात होती है कि देश की सीमाएं हो सकती हैं, राज्य की सीमाएं हो सकती हैं, पॉलिटिकल पार्टी की सीमाएं होती हैं, लेकिन कलाकार की कोई या कला अरे की कोई वाकई सीमा नहीं होती। वाकई में वाकई में तो वो एक खुशी की बात मतलब हुई कि आपको अब पाकिस्तान में भी अब अच्छा, क्रिश में आपका करेक्टर बहुत अच्छा था, मैं बड़ा अच्छा लगा आपने क्रिश में जो करेक्टर किया, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब जब उसके गाने आने शुरू हुए, प्रोमो उसके टीवी पे आने शुरू हुए, तो वहीं से एक माहौल, क्योंकि टीवी उन दिनों बहुत ज्यादा लोग देखते, आजकल तो मोबाइल देखते हैं ज्यादा, तो आपने आज वक्त दिया, बहुत ज्यादा शुक्रिया हाँ मैं आपका। सबसे बड़ा आपके पेशेंस की दाद देता हूँ। मैं मुझे बहुत कोई शौक नहीं, मेरा शौक खत्म हो गया इंटरव्यू देने का, अच्छा बातचीत करने का, जी जी यहाँ भी आप जिस तरीके से क्या दूसरे शब्दों में मेरे पीछे लगे थे जिस तरह से आप, तो उसकी मैं दाद देता हूँ, जी आपका जी पेशेंस की दाद देता हूँ। थैंक आप यू। ऐसे ही आप धैर्य बनाए रखेंगे तो आपका प्रोग्राम, आपका चैनल बहुत आगे जाएगा, क्योंकि एक से एक लोग आपके प्रोग्राम में आएंगे, और जी अच्छी जी बात, दिल की बात बिल्कुल दिल से कही जाएगी तो दिल तक पहुंचेगी, तो बिल्कुल आपके ऐसे ही। प्रोग्राम को, आपके चैनल को लोग बहुत ज्यादा देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आज़ीज़ ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ जानसेब अवान। इस वक्त हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं इंडिया से एक ऐसे एक्टर जिनको आपने फिल्म्स में कॉमेडी करते हुए देखा है, आइए उनसे बात करते हैं। हेमंत पांडे साहब, आदाब सर, आदाब आदाब आदाब। क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं? सब खैरियत है, ऊपर वाले का करम है, रहम है, सब मौज। मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ के हेमंत पांडे साहब ने इन हिट फिल्मों में काम किया है। उन इन हिट फिल्मों का नाम है क्रिश और क्रिश 3, बधाई हो बधाई, जिंदगी शतरंज है और रेडी मूवी। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया है, लगभग 100 फिल्मों में आपने काम किया है। तो कैसा जी। एक्सपीरियंस रहा आपका हेमंत साहब इन तमाम फिल्मों में काम करने का? देखिए मैं इंडिया में बहुत दूर बॉर्डर पिथौरागढ़, तो पिथौरागढ़ वहां लगभग 34 इयर्स पहले मैं निकला था गांव से। गांव में मैं गाय भैंस चराना या गांव का कोई भी, अपने खेतों का, जानवरों के साथ कोई भी काम में पूरा जीवन, चूंकि वैसा ही होता है, मेरा ही नहीं सबका ही होता है जो गांव में रहते हैं। वहां से निकल के दिल्ली आया, दिल्ली में मैंने नाटकों में काम किया। वहां नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रेपेट्री कंपनी होती है, जहां कोर्स करने के बाद आपको लिया जाता है, वहां सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, तो वहां 2-2.5 साल काम करने का मौका मिला। उसके बाद मैं आ गया मुंबई। मुंबई में आते मेरा पहला सीरियल था हम बम्बई नहीं जाएंगे। हाँ, अच्छा तो सही। वो वहां जी शेखर कपूर साहब की कंपनी ने वो बनाया था, तिग्मांशु धूलिया ने डायरेक्ट किया था, और वहां से फिर शुरुआत हुई बहुत सारे सीरियल्स। ऑफिस ऑफिस तो उसके बहुत सालों बाद मिला, लेकिन उससे पहले बहुत सारे टीवी शोज में काम करने का मौका मिला, और जिस जगह से मैं आया था वो, और या जिस अभाव में, जिस गरीबी में, या जिस तरह के परिवार में जन्म हुआ, वहां से निकलने के बाद यहाँ जो जो मिला वो सब अच्छा मिला, क्योंकि जिसके पास अभाव है या ऑप्शन नहीं है, तो उस आदमी का स्ट्रगल कम हो जाता है, उसका संघर्ष कम हो जाता है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है। जी तो जी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थे, तो इसलिए जो काम मिला उसको खुशी से उसको स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, और आनंद से इतने साल हो गए अभिनय करते हुए, तो बस ऊपर वाले का रहम। चलें, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा, आपने कॉमेडी मूवी में ज़्यादा काम किया, हमने देखा है आपको कॉमेडी में, तो कॉमेडी आपने ज़्यादा किया या नॉर्मल करेक्टर भी किए, और इन दोनों में क्या फ़र्क है? तो फर्क देखिए कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं था। कॉमेडी से शुरुआत हुई तो हर आदमी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को लगने लगा कि इनको कॉमेडी में ही लो, तो हमें अच्छा कॉमेडी जो, और हमारे लिए बात थी कि हमें काम मिल रहा है और पैसे भी मिल रहे हैं उसके बदले में, जी तो वो करते चले गए। तो इस वजह से एक फायदा ये हुआ कि एक नाम हो गया कि भाई ये कॉमेडी आर्टिस्ट हो, जब बात होती थी तो अपना भी जिक्र आ जाता है, ये तो खुशी की बात है। लेकिन दुख इस बात का है कि एक एक्टर को अपना एक तमगा लगने में बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत टाइम लगता है, जो बड़ी बात है, हर किसी एक्टर को जी वो मिलता नहीं है।
हमें ऐसा मिला, लेकिन उसकी वजह से तकलीफ भी होती है कि आप दूसरे तरह के रोल नहीं कर पाते, तो हाँ ये बात तो है, क्योंकि लोगों ने स्ट्रगल उस फिर समय वहां देखा से है। अलग शुरू जी होता। हालांकि मैंने सीरियस रोल भी किए, एक फिल्म थी वाहताज, उसमें मैं विलन था, एक फिल्म अभी और है वो कई उस पे पोर्टल्स में है, फ्लेम अनटोल्ड लव स्टोरी, उसमें ऋषिता भट्ट और मैं है, तो वो एकदम अलग रोल है, वो एकदम मतलब जिसने वो रोल देखा वो कल्पना भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता कि हम मैं कॉमेडी भी करता हूँ। बट ये है कि वो किस फिल्म में चलती हैं तो आप चलते हो, फिल्में जी नहीं जी चलती हैं तो आप नहीं चलते हो। अच्छा हेमंत साहब, ये पूछना चाहूँगा कि कोई यादगार लम्हा हमें जो है बताएं, कि किसी एक्टर के साथ हो या आपकी कोई ऐसी फिल्म हो जिसमें आपके लिए वो एक यादगार लम्हा रहा हो, वो शेयर करें प्लीज़। देखिए यादगार लम्हा तो जो था, एक तो ऑफिस ऑफिस सीरियल था हमारा, मुसद्दी लाल वाला, जी जी वो एक 10 साल तक उसमें काम किया तो एक अच्छी टीम बन गई थी और उससे बड़ा फेमस हो गए थे। और मैं आपको बताऊं, लंदन के मैं एक हम शो करने गए थे, लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल, LOC एक सीरियल था, तो वहां पर लंदन की सड़कों में पाकिस्तान के लोग मुझे मिले जो बोले अच्छा अरे बाबा पांडे जी, तो वो खुशी की बात होती है कि देश की सीमाएं हो सकती हैं, राज्य की सीमाएं हो सकती हैं, पॉलिटिकल पार्टी की सीमाएं होती हैं, लेकिन कलाकार की कोई या कला वही की कोई वाकई सीमा नहीं होती। वाकई में वाकई में तो वो एक खुशी की बात मतलब हुई कि आपको पाकिस्तान में भी आपका आदमी हो या बांग्लादेश का आदमी भी हो। तो फिल्म थी क्रिश, रोशन जी। के साथ, उसका एक्सपीरियंस बहुत मजेदार, क्योंकि हम लोगों ने मनाली गाना आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी, वो गाना जब कर रहे, कनेक्ट आवाज हो आ रहा रही है। है। हाँ इंटरनेट बहुत डिसकनेक्ट हो रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा क्रिश में आपका करेक्टर बहुत अच्छा था, मैं बड़ा अच्छा लगा आपने क्रिश में जो करेक्टर किया, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब जब उसके गाने आने शुरू हुए, प्रोमो उसके टीवी पे आने शुरू हुए, तो वहीं से एक माहौल, क्योंकि टीवी उन दिनों बहुत ज्यादा लोग देखते हैं, आजकल तो मोबाइल देखते हैं ज्यादा, तो जब आया तो लोगों के लिए कितनी हिट हो रहा, राकेश रोशन जी हो, चाहे आदमी होता है उसमें उतना पेशेंस होता है, उतना धैर्य होता है, उतना ठहराव होता है, उतना अच्छे तरीके से वो आदमी समझाता है, तो वो सब चीज का अनुभव बहुत बढ़िया रहा, वो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। और पिक्चर जब हिट हो गई तो फिर लोगों ने उसको सराहा, फिल्मों में काम उसकी वजह से और ज्यादा मिलने लगा, तो ये दो प्रोग्राम मेरे लाइफ के बड़े अच्छे थे। और तीसरा वो रेडी पिक्चर में जो सलमान भाई की फिल्म थी, छोटे पंडित जी वाला रोल, मैं तो ऐसे ही मन मार के गया था, मैंने कहा कि क्या है ठीक है चलो छोटा रोल है, लेकिन जब फिल्म अच्छी होती है तो फिर उसमें एक एक किरदार का एक एक लाइन, जी या लाइन नहीं भी बोली है किसी एक्टर ने, उसके डायलॉग्स नहीं भी हैं, जी जी तो भी उसको अप्रिसिएशन मिलता है, तो रेडी में भी बहुत लोगों ने सराहा। जी जी बिल्कुल। अच्छा आपकी खुद की फेवरेट मूवी कौन सी है हिमंत साहब? मेरी खुद की फेवरेट मूवी एक है प्रकाश, प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक्स, जो जिसमें मैंने लीड रोल किया था, वो एक अच्छी कहानी थी। और दो दो तीन और ऐसे फिल्में हैं, जो हालांकि आपने आज मुझे बात करी तो मैं फिल्मों में काम तो करता हूँ लेकिन मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहता हूँ, मैंने अपनी अच्छा लाइफ में जी 30 फिल्में लाइफ में टोटल देखी होंगी, खुद 100 से ज्यादा किए हैं, लेकिन मैंने अच्छा टोटल 20 25 30 फिल्में ही देखी, क्योंकि वाह 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 मेरा वाह इंटरेस्ट पहले था, पहले जब गांव में रहते थे तो टेलीविजन नहीं था हमारे घर में, जी सबसे जी पहली बात जी तो टेलीविजन नहीं था, तो जिनके यहाँ टेलीविजन था उनके घर में हमारे यहाँ कद्दू लौकी ककड़ी, बड़ा पहाड़ों में बड़ी ककड़ी होती है, या दूध दही छाछ मट्ठा वो सब देने के लिए उनके घर जाते थे ताकि हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे बने रहें उनसे, और टीवी में उन जब उनके घर देखने जाएं तो वो हमें बैठने को जगह दें, तो वो एक्साइटिंग दौर था उस वक्त का, टेलीविजन दोबारा तो कभी आएगा नहीं वो समय, जी तब हम जो उस वक्त फिल्में आती थी या चित्रहार होता था वो तब देखते थे, जैसे फिल्मों में आए नाटकों के बाद, तो और फिर उस वो सीन का, क्योंकि पिक्चर तो आप 2 घंटे 2.5 घंटे में देख के खत्म कर लेते हैं लेकिन फिल्म बनने में महीनों लगते हैं, और हमारा आज कोई सीन है या 2 दिन में कोई सीन कंप्लीट हो रहा है, तो वो सीन करते 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 सिनेमा में काम करने के लिए तो खुशी होती है और अपना जो काम करते हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट मेरा खत्म हो गया फिल्म देखने के लिए।
अच्छा हेमंत साहब, पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ा पैगाम तो मैं यही देना चाहता हूँ कि क्योंकि पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा रहा है, भारत से ही अलग हुआ है, तो हमारा भले ही किसी से बात नहीं होती है, किसी से कुछ ऐसा आना जाना नहीं होता है, जी लेकिन कहीं ना कहीं हमको भी लगता है, मुझे ही नहीं, हर आदमी को, जी अगर जी पॉलिटिकली उसको भूल जाओ तो कहीं ना कहीं हर आदमी के मन में एक दूसरे के प्रति वो प्रेम मिलता है, जी वो एक एक रूहानी जिसको हम कह सकते हैं। जी लेकिन जी अभी आपके देश की हालत बहुत अच्छी हो, हम ये दुआ करते हैं। सबसे बड़ी बात क्या जी है कि जी बहुत किस शुक्रिया तरह से देश अभी चल रहा है, बुरा मतलब मुझे नहीं लगता, न्यूज चैनलों में दिखाते हैं, जी लेकिन जी जी किसी आदमी को भी बुरा लगता है कि आपके अपने परिवार के किसी के बारे में जी आप जी तकलीफ में, सुनते हो तो दर्द जी तो जी होता है, दिल को बिल्कुल होता ऐसा ही है है। एक कलाकार होने के नाते मैं अपने भाव बता पा रहा हूँ, तो वो सब चीजें आपके देश में सब बढ़िया से चले, पॉलिटिकल पार्टी थोड़ा मजबूती से वहां पे सरकार चले, तो लोगों को थोड़ा सुकून मिलेगा, राहत मिलेगी, थोड़ा गरीबी कम होगी। ये हम आप सब देशवासियों के लिए दुआ करते। बहुत शुक्रिया, आपने आज वक्त दिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया हाँ, मैं आपका। सबसे बड़ा आपके पेशेंस की दाद देता हूँ। मैं मुझे बहुत कोई शौक नहीं, मेरा शौक खत्म हो गया इंटरव्यू देने का, अच्छा बातचीत करने का, जी जी यहाँ भी आप जिस तरीके से दूसरे शब्दों में मेरे पीछे लगे थे, जिस तरह से आप, तो उसकी मैं दाद देता हूँ, जी आपका जी पेशेंस की दाद देता हूँ। थैंक आप यू, ऐसे ही आप धैर्य बनाए रखेंगे तो आपका प्रोग्राम, आपका चैनल बहुत आगे जाएगा, क्योंकि एक से एक लोग आपके प्रोग्राम में आएंगे, और जी अच्छी जी बात, दिल की बात बिल्कुल दिल से कही जाएगी तो दिल तक पहुंचेगी, तो बिल्कुल आपके ऐसा ही है। प्रोग्राम को, आपके चैनल को लोग बहुत ज्यादा देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो आपके पेशेंस की दाद देता हूँ। आप जनरली, हर आदमी में एक ईगो होता है कि जी आप बार बार फोन कर रहे हैं, कोई फोन नहीं उठा रहा, या जी जी जवाब नहीं दे रहा, या बोल रहा जी नहीं अभी नहीं, अगले महीने, अगले महीने, लेकिन एक समय के बाद आदमी को भी लगता है, यार ये आदमी है क्या इसमें, चलो जी ठीक है जी बात। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आपको दुआएं देता हूँ, आप ऐसे शुक्रिया ही आप लगे रहे। शुक्रिया जी। नाज़रीन हमारे साथ कॉल पर मौजूद थे पांडे साहब, हमें और पांडे साहब को दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान। शुक्रिया हेमंत साहब। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।